इफिसियो उसका 4 और उसका 25 देखो क्या लिखा। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब हम झूठ बोलते हैं ना मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में शैतान के लिए द्वार खुल जाता है और हम खुद बोलते हैं आबेल मुझे मार। कई लोग झूठ को बहुत हल्का समझते हैं, समझते हैं यार झूठ तो बोल दिया ना यार क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, झूठ अगर आप बोल रहे हो तो आप मौका दे रहे हो कि सर्प आपको डसेगा, और जब वो डसेगा तो उसका जहर आपके पूरे शरीर में होगा और वो झूठ आपका जान ले लेगा। नीति वचन उसके 19 अध्याय और उसके अगर 9 वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नाश हो जाता है। लोग झूठ बोलते हैं एकदम ऐसे ही, ओ झूठ बोल दी क्या हो गया कुछ नहीं होगा, उनको मालूम नहीं है मेरे प्रियो, सच्चाई नहीं मालूम है। जो झूठ बोलता है ना शैतान उसको पकड़ लेता है, और शैतान उसके एक झूठ के कारण से उसको नाश कर सकता है। याद रखना मेरे प्रियो, कब, जब तक आप अपने जब तक आप पश्चाताप ना करो। अगर आपने पश्चाताप कर लिया तुरंत तो आप बच गए, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो और पश्चाताप नहीं कर रहे और उस झूठ को आप बहुत हल्के से ले रहे हो, तो याद रखना वही झूठ शैतान को अवसर दे रहा है और वो आपके जीवन को नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा है, यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 44 वचन देखो क्या लिखा है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। याद रखना मेरे प्रियो, अगर कोई विश्वासी झूठ बोल रहा है ना, झूठ अगर बोल रहा है तो याद रखना वो शैतान का स्वभाव है फिर उसके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव झूठ बोलना नहीं है, परमेश्वर का गुण झूठ बोलना नहीं है, लेकिन शैतान का गुण है झूठ बोलना, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति कोई विश्वासी होकर के अगर वो झूठ बोल रहा है तो याद रखना उसके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव है और उसका पिता परमेश्वर नहीं है, उसका पिता शैतान है। तो उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर की आशीष नहीं, शैतान का कार्य और शैतान का श्राप और शैतान की बीमारी और शैतान का गरीबी उसके जीवन में होगा। एक झूठ आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, जो झूठ है वो हमारे आपसी संबंधों में भी समस्या पैदा कर देता है। यहां पर क्या लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। याद रखो मेरे प्रियो, परिवार के अंदर में माता पिता भाई बहन पति पत्नी हम सब आपस में एक अंग हैं। कलीसिया के अंदर भी हम आपस में यीशु मसीह की देह के अंग हैं। हमको एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। और याद रखो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो याद रखना शैतान हमारे संबंधों में उस झूठ के कारण से समस्या पैदा करेगा, और होगा क्या, हमारा संबंध कमजोर हो जाएगा, और क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति हम पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, हर बात पर वो हम पर शक करता रहेगा। तुम सच भी रहोगे कभी तो वो शक करेगा, ये बीज किसने बोया, हम झूठ बोल करके बोते हैं, और शैतान हमेशा हमेशा के लिए हमारे संबंधों में समस्या पैदा कर देता है मेरे प्रियो, और वो झूठ के कारण से हमको लज्जित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। आपको मैं बता दूं परमेश्वर सच्चा है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो परमेश्वर के साथ आपके संबंधों में भी समस्या आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के साथ में भी आपका नहीं पटेगा, क्योंकि वो सच्चा है और आप झूठ का सहारा लेते हो आपका, और फिर परमेश्वर का कोई मेल जोल नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के साथ संबंधों में समस्या, और आपके पारिवारिक संबंधों में समस्या, कलीसियाई संबंधों में समस्या, कारण झूठ। आपने झूठ बोला, शैतान ने अवसर पाया और क्या किया, समस्या, अपमान, बेइज्जती, गिरावट। कैसे? एक झूठ से। भजन संहिता 15 अध्याय और उसके 1 वचन में देखो वहां पर क्या लिखा हुआ, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। अर्थात यहां पर वचन क्या कहता है, हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग में कौन आने पाएगा, कौन रहने पाएगा, कौन बसने पाएगा, जो हृदय से सच बोलता है, जो पवित्रताई में चलता है और भलाई के काम करता है। पवित्रताई में चलता है अर्थात परमेश्वर के वचन पर चलता है और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है। याद रखना मेरे प्रियो, अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर
आपको नरक में डाल देगा, ऐसा नहीं है। आप झूठ बोलोगे ना तो आप शैतान को अवसर देते हो और शैतान आपके अंदर घुस जाएगा, आपके जीवन पर कंट्रोल करेगा और फिर क्या होगा, आपके जीवन को वो पापमय बना देगा, आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। और वही शैतान है मेरे प्रियो जो आपकी आत्मा को नरक लेकर के जाएगा। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 8 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। यहां पर लिखा सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, अर्थात नरक, यह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु क्या है? आप झूठ बोल रहे हैं, आपका स्वभाव है झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे, समझ जाइए आपकी पहली मृत्यु हो चुकी है। क्या है पहली मृत्यु? आत्मिक मृत्यु आपकी हो चुकी है, आपके अंदर में शैतान आ चुका है, शैतानी आत्मा आ चुकी है और आप शैतानी स्वभाव में होकर के झूठ बोलते हो। अगर आप झूठ बोलते हो बार बार झूठ झूठ झूठ, तो समझ जाना कि वो शैतानी स्वभाव ऑलरेडी आपके अंदर में आ चुका है, इसलिए आप शैतान के स्वभाव से ही झूठ बोल रहे हो और वो आपका पिता हो गया है। क्योंकि याद रखना जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा काम करता है वह व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, वो सच बोलेगा। वो अलग बात होता है कि कभी कभार हमसे कभी कभी हम झूठ बोल जाते हैं, लेकिन तुरंत अगर हम आत्मा से भरे हुए हैं तो तुरंत आत्मा हमको कायल करता है और कहता है कि तूने वचन का बाड़ा तोड़ा, तूने झूठ बोला, और तुरंत हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु माफ कर दीजिए खुदावंद हमने झूठ कहा। और जैसे ही आप पश्चाताप करते हो आप फिर से सुरक्षा के घेरे में आ जाते हो। लेकिन कई लोग चोरी और सीना चोरी, वो झूठ बोलते हैं और मानते नहीं है, अपनी गलतियों को अपने गुनाहों को नहीं मानते, पश्चाताप नहीं करते और इसी कारण शैतान अवसर पाता है। और होता क्या है फिर? उनके शरीर में बीमारी, गरीबी, कर्ज, आर्थिक घटी कमी, बेरोजगारी, बिजनेस का तहस नहस हो जाना, मैरिज लाइफ का तहस नहस हो जाना, सब कुछ बर्बाद। क्यों? उसने शैतान को अवसर दिया। कैसे? झूठ बोलकर। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो शैतानी स्वभाव में होकर के बोलता है, इसलिए याद रखना मेरे प्रियो, झूठ आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। इसलिए झूठ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं शैतान के लिए द्वार खोलने के लिए जा रहा हूं। और इसलिए इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका देखो 15 वचन में क्या लिखा, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। कैसे? कैसे? प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। अगर आप परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की सच्चाई पर अगर आप चल रहे हैं तो याद रखना आप मसीह में बढ़ेंगे, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगा, अभिषेक बढ़ेगा, आपके जीवन में सामर्थ्य बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आशीषें बढ़ेंगी, पवित्र आत्मा का फल बढ़ेगा, वरदान बढ़ेगा, आप संबंधों में बढ़ोगे, आप अपने जीवन में बढ़ती बढ़ती और बढ़ती को देखोगे। कब? जब आप सच्चाई पर चलोगे तब, जब आप हृदय से सच बोलोगे तब। लेकिन अगर आप बढ़ने के लिए झूठ का सहारा लेते हो, अपने आप को बचाने के लिए आप झूठ का सहारा लेते हो, तो याद रखना मेरे प्रियो, एक दिन यही झूठ आपको हमेशा हमेशा के लिए बेइज्जत करेगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए लज्जित करेगा और सामने वाला व्यक्ति कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आप सच भी बोलोगे तो भी वो हमेशा बोलेगा यार ये व्यक्ति झूठा है, इसके पहले ये कई बार पकड़ा चुका, इसका झूठ पकड़ा चुका, और हर बार आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उस झूठ की वजह से। इसलिए झूठ का सहारा नहीं लेना, नहीं तो शैतान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा।